Respected Union Minister for State, Minister of Port City and Bajo is Santanu Thakurji, or my Secretary Ramachandran ji, और सभी यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्षगण और अन्य जो हमारे पीएसयू की महानुभव, आप सबको मैं फिर से हृदय से स्वागतम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले दिनों में हमारे देश के आदर्श नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसकी वजह से हमारे मंत्रालय ने पिछले दिनों में जो सफलपूर्वक काम की और इसकी आज स्वीकृति हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी मिल चुका है, तो ये हमारे लिए बड़े उत्साह की बात है और हमें आगे बढ़ना होगा। और हमारे परमाननीय प्रधानमंत्री जी की जो मार्गदर्शन है, जो विजन है, जो लक्ष्य उन्होंने तय की है देशवासियों के लिए कि अगले 5 साल में हमें दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना परिचय, अपना पहचान बनाना होगा, तो इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुझे लगता है कि हमें 2 गुना 3 गुना मेहनत करना होगा। जो भी अब तक हम लोगों ने काम की है, इस पर हम संतुष्ट रहने से नहीं चलेगा। आप लोगों को विशेष रूप से, यू आर ऑल लीडर्स इन द पोर्ट एंड अदर्स इन इश्यूज, यू बीइंग द लीडर्स यू विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय एग्जांपलरी काइंड ऑफ इनिशिएटिव एंड ऑल्सो by some distinctive achievement, so that they can inspire all officers and staff and technocrats and other skilled people around. We'll have to contribute in a significant manner to the growth of Indian economy, and we can do it because we have already set up very very important examples so far. तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों ने आज जो भी प्रेजेंटेशन दी है 100 दिन के लिए और अगली 5 साल के लिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को विशेष रूप से ये जो पीपीपी, इन पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मुझे जो बताया गया है, आंकड़ा दी गई है 288 बार से अब तक ऑपरेटेड बाय पीपीपी एंड कैप्टिव ऑपरेटर्स ओनली 95 सो फॉर, इफ इट इज सो देन इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। आपको इस पर विशेष रूप से मजबूत कदम उठाने होंगे। ये तो बहुत कम है, 95 out of 288। हमारे परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक ये संतोषजनक नहीं है। और दूसरी, हम लोगों ने जो आंकड़ा देखी है, हम लोगों ने आप लोगों को लक्ष्य दी थी कि हमारे कार्गो ग्रोथ 6.35 तक पहुंचना चाहिए, इसके बदले आप लोगों ने सिर्फ 1.3% तक अब तक हासिल की है, तो इसका मतलब साफ है देयर इज ह्यूज गैप ऑफ आवर परफॉर्मेंस। सो आई बिलीव इन दिस पैरामीटर आल्सो यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों ने दुनिया देखी है, दुनिया का बेहतर जो भी पोर्ट है उन लोगों का रणनीति कैसा है, उनका टेक्नोलॉजी, उनका ऑपरेशन, उनका मैकेनाइजेशन, जो भी उनकी तरफ से ली हुई जो भी कदम है, ये कदम हमसे कितना बेहतर है, हमें और
उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या नई व्यवस्था खड़ा करना होगा, इकोसिस्टम कैसे बढ़ाना होगा, इन विषय पर भी आप लोगों को विशेष रूप से कदम उठाना होगा। बिकॉज यू हैव सीन द वर्ल्ड, यू हैव सीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, बट नाउ यू हैव टू कंपेयर योर एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड देयर एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड योर टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन देयर टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन, your initiative of modernization, their initiative of modernization, your initiative of making the stakeholder motivated and their initiative of making the stakeholder motivated. So these are the important parameters where you will have to put your extra effort. You will have to apply your best possible wisdom so that you could create that ecosystem and you could create this particular maritime sector as a powerhouse of the world. मुझे लगता है कि ये लक्ष्य भी आपके लिए बहुत स्पष्ट है। अपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में हर बार देशवासियों को इस विषय पर उजागर करने के लिए, विशेष रूप से शक्ति देने के लिए, दिशा देने के लिए बार बार हमें मार्गदर्शन देती आई है। तो इन पर हमें सीखना चाहिए और लैंडलॉर्ड मॉडल के रूप में अपने पोर्ट को खड़ा करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाना होगा। इट इज यू टू बेटर जज, इट इज यू टू बेटर लाइक प्रिपेयर द रोड मैप फॉर फ्यूचर फास्टर ग्रोथ, इट इज यू। हमारे मंत्रालय से कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब अनुभवी है, यू आर ऑल परफॉर्मर, लेकिन आपकी शक्ति जो आपके व्यक्तित्व में है, इस शक्ति को और भी आगे उजागर करना होगा। इस शक्ति के द्वारा आप अधिक मेहनत भी करना होगा और अगले दिनों के लिए रूपरेखा रणनीति तय करना होगा। मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए संभव है। और जो ग्रीन इनिशिएटिव हमने ली है, इस विषय पर हमने तीन पोर्ट हाइड्रोजन, इस सिलसिले में मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो भी अब तक कदम उठाए हैं, तो इस 100 दिन के अंदर, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लू इकोनॉमी के लिए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमें यह आग्रह की है, तो इस विषय पर आप लोगों को जमीनी हकीकत से मजबूत कदम उठाना ही होगा। और इस कदम उठाने के लिए आप लोगों ने जो भी अब तक माहौल तय की है अपने अपने पोर्ट पर, और इसके लिए आपके पोर्ट में जो भी सुविधा उपलब्ध है, इस सुविधा को और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नए कदम उठाना होगा, इस विषय पर भी आपको चिंता करना होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे कोस्टल शिपिंग हो, एक्जिम ट्रेड हो, कोस्टल क्रूज हो, ओशियन क्रूज हो, रिवर क्रूज हो, लाइक इन ऑल एस्पेक्ट, और हमारे ड्रेजिंग के सिलसिले में शिपिंग कॉरपोरेशन, डीजी शिपिंग, हमारे बीच खुद एक होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप होना जरूरी है। सपोजिंग किसी पोर्ट ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, बाकी पोर्ट को भी सीखना चाहिए उन्होंने कैसे डेवलप किया, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये जो है टीम इंडिया का यूनिट है, टीम इंडिया की भावना शक्ति से हमें एक साथ काम करना ही होगा। अगर मेरा पास कुछ कमी है, आपका पास वो ज्यादा है, तो आपसे मुझे सीखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन और लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। That's the way we could develop truly holistic working relationship, जहां से देशवासियों को लाभ मिलेगा, देश को अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में हम योगदान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इस विषय का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और अब जब हमें वर्ल्ड बैंक ने इतनी बड़ी स्वीकृति दी है, तो अब सब लोगों ने देखने लगा है पोर्ट शिपिंग वाटर्स मंत्रालय, उनकी निगाहें हम पर जमी हुई है, तो इसलिए हमारा दायित्व बढ़ चुका है
जिम्मेदारी बढ़ चुका है। इस विषय पर हमें आराम नहीं करना चाहिए, मेहनत करना होगा। यू हैव टू परफॉर्म। और आपका पास जो भी लिटिगेशन है, इस लिटिगेशन को जल्दी से जल्दी आप डिस्पोज कीजिए, क्योंकि एक एक कोर्ट का ये जो लायबिलिटी को अगर खत्म नहीं करेंगे तो आप एसेट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस विषय पर विशेष रूप से कदम उठाना होगा। So many areas of concern needs to be effectively addressed, timely addressed, so that you could feel strong and confident. जब तक ये लाइनिंग के आपके कंधों पर पड़े रहेंगे, तब तक आप मुक्त मन से, खुले दिल से, खुले मन से काम नहीं कर सकते। आपके पास बचे हुए शक्ति को भी आप सही दिशा पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग खुद अध्ययन कीजिए, आपके कोर्ट में क्या क्या ऐसा व्यवस्था है जिन्होंने आपकी डेवलपमेंट में बॉटलनेक बन के खड़ा है, उसको निकालना होगा। और आपके पास कोई कमजोरियां है, आपका अलग अलग कंस्ट्रक्शन अलग अलग विभाग है जहां आपका पास ऐसा व्यक्ति है जो काबिल नहीं है, बार बार कहने के बाद भी वो निर्णय नहीं ले सकते, कदम नहीं उठा सकते। इन चीजों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान से देखना होगा और करेक्टिव मेजर लेना होगा। करेक्टिव मेजर लेना ही होगा। किसी का साथ कोई व्यक्तिगत अच्छा एक रिश्ता है, इसको कंसीडरेशन में मत लाइए। आप देश के हितों के लिए, विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम करना होगा। इसलिए आपको विशेष रूप से इन विषय में विशेष रूप से आपको प्रतिबद्ध होना ही होगा। हमें भी होना होगा, मुझे होना होगा, संतन ठाकुर को होना होगा, हम सब मंत्री हो या एमएलए हो, चेयरमैन हो, एक साथ हमें इस विषय पर काम करना होगा। ऐसा मौका किसी को देना नहीं चाहिए कि कोई बाहर से लोग हमें अपनी गलतियां को दिखाए, आपका ये गलतियां है, ये शॉर्ट टर्म है, दीज आर योर लाइक नो वीकनेसेस। नो, we will have to immediately try to discover our strength and weaknesses. जहां weaknesses है उसको निकालने के लिए हम जल्द से जल्द मेहनत करें। तो मुझे लगता है कि ये काम अगर हम सब मिलकर करें तो निश्चित रूप से ये जो अगली 5 साल के अंदर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने के लिए मोदी जी ने जो भी संकल्प ली है, देशवासियों को आह्वान की है इस विषय पर अपनी योगदान देने के लिए, मुझे लगता है कि इन पर हमें भी विशेष रूप से कदम उठाना होगा। और इस दिशा पर हमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कदम उठाना होगा। तो मैं आप सबको आज विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आया और आकर अपनी बात रखा और मुझे लगता है कि ये जो माहौल हम हमेशा उसको बरकरार रखना होगा। ये माहौल है, शक्तियों का माहौल है। ये माहौल हमें शक्ति देता है, दिशा देता है और हमें एक साथ काम करने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। तो मुझे लगता है कि आप सब इसी बातों पर मिलकर अगले दिनों में काम करें और हमारे मंत्रालय की क्रेडिबिलिटी जितना हो सके आप बढ़ाए। और इस बार हमें 5 कोर्ट को हमें 100 बेस्ट कोर्ट में जगह मिली। तो अगली जो मेरिटाइम मिशन 2030 है ना, के मुताबिक हमें हर कोर्ट को भी उसी स्थान मिले, इससे बेहतर मिले, इस पर हमें काम करना होगा। आप तैयार है कि नहीं? मैंने क्या बोला आप लोगों ने शायद सुना होगा। माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। आई वांट ऑल द कोर्ट शुड बी लिस्टेड इन द टॉप 100 कोर्ट इन द वर्ल्ड। अभी हमारे 5 कोर्ट को उस स्थान मिली है, वो पैसा मिली है, तो ये हमारे लिए मनोबल का सबसे बड़े आधार बन चुका है। अगर 5 को मिल सकता है, बाकी क्यों
नहीं, बाकी हमको सबको मिलना होगा, इसी दिशा पर हमें काम करना होगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई विश यू वेरी वेरी मीनिंगफुल इंटरेक्टिव सेशन इवन आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो। आई बिलीव ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स Santanu Thakur will be there, and our Secretary Ramaswamy will also be there. So we'll have a very fruitful, productive, meaningful conversation in the afternoon. I hope that we'll all be bringing out best of best idea to incorporate it into the future course of action for our future cluster group. Thank you, Chairman.